Hello guys, first of all congratulations to all my friends who have cracked SBI Pre. Today I will teach you about general awareness in SBI mains. क्योंकि एक बहुत ही confusing रहता है हम लोग के दिमाग में कि कहाँ से शुरू करें general awareness को पढ़ना. बहुत wide topic है, कैसे करना है. तो आज मैं आपकी इस problem को सॉल्व करूंगा कि कैसे आप जनरल अवेयरनेस में किन किन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं मेंस एग्जामिनेशन के लिए. तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि IBPS पर्टिकुलर सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछता है जनरल अवेयरनेस में. जैसे कि जनरल अवेयरनेस हमारी डिवाइडेड है स्टैटिक जीके. अभी रिसेंटली IBPS ने इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछना थोड़ा शुरू किया है. उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद आता है करंट अफेयर्स, जिसमें न्यूज़पेपर और जितने भी करंट इकोनॉमी की न्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं, और कोई अवार्ड मिला है करंट, जितनी भी करंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो पार्ट है. उसके बाद है बैंकिंग एंड इकोनॉमी. बैंकिंग इकोनॉमी में बेसिक्स ऑफ बैंकिंग टर्म्स एंड इकोनॉमिक टर्म्स, ये सारी चीज़ें कवर अप होंगी. और लास्ट में आता है मिसलेनियस. उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा किन चीज़ों को आप पढ़ें, किन चीज़ों को छोड़ें. बट जो ये मेन तीन सेक्शन है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग एंड इकोनॉमी, अगर हम इस पे केयरफुली स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे SBI मेंस में. तो गाइज, मैं इस लेक्चर में आपको बताऊँगा स्टैटिक जीके, जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस कंसेप्ट है IBPS में, उसमें किन किन चीज़ों पे हम ध्यान दें, कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है. तो दिस इज द वे स्टैटिक जीके में आप देखिए, जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे लिख रहा है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स. अब ये डिवाइडेड है हमारा इंटरनेशनल, नेशनल. इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर का मतलब है, जैसे हम इंटरनेशनल में आए तो जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और आपका UN हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनिसेफ हो गया, जितने भी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के. प्लस उनके चेयरमैन भी कभी कभी पूछता है. बट अभी फिलहाल रिसेंट में 1 to 2 years में IBPS ने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन वगैरह पूछने का कंसेप्ट हटा दिया है. तो अभी फिलहाल हम अपना फोकस रखते हैं कि सिर्फ हेडक्वार्टर्स इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के देखते हैं. तो इंटरनेशनल में जैसे मैंने बताया ये हेडक्वार्टर्स वर्ल्ड बैंक और इनके रहेंगे. मैंने कमेंट सेक्शन में आप इंक्लूड करा है किन किन हेडक्वार्टर्स को आप पढ़ के जाएं, इंटरनेशनल और नेशनल. नेशनल में हम आते हैं, नेशनल में आएगा जैसे RBI, SEBI, IRDA, जितने भी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स पूछेगा, वो भी मैंने नीचे इंक्लूड करा हुआ. नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स. ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बैंकिंग एग्जाम्स में है, क्योंकि इससे पहले नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में IBPS नहीं पूछता था. लेकिन अभी रिसेंट 1 to 2 years में इसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करना शुरू करा है नेशनल पार्क्स के. तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि सारे ही नेशनल पार्क्स आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि उनकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, आपके पास अभी टाइम कम है. तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट नेशनल इम्पॉर्टेंस रखने वाले ही नेशनल पार्क्स को कवर अप करना है, जिनकी भी लिस्ट मैंने नीचे अपने कमेंट सेक्शन में की हुई है, उसको आप देख सकते हैं. क्योंकि रीजन क्या है कि जो हाल ही में 3-4 पेपर्स की एनालिसिस करी है मैंने, उसमें नेशनल पार्क्स बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका आपने भी नाम बहुत बार सुना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमको ये याद नहीं रहता कि वो किस स्टेट में बिलोंग करता है, किस एरिया में बिलोंग करता है. तो थोड़ा सा देखने वाली बात है. और इसको कैसे पढ़ेंगे लिस्ट को, ये भी मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा. कैसे मेमोराइज रखें कॉन्सेप्ट्स को, वो भी मैं नेक्स्ट सेक्शन में इंक्लूड करूंगा.
नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट डेज। ये एवरग्रीन कंसेप्ट है बैंकिंग एग्जाम्स में, ये बहुत दिन से चला आ रहा है और इसके पैटर्न में भी आईबीपीएस ने थोड़ा सा स्लाइट चेंज किया है। अभी तक क्या होता था कि जब एग्जाम जिस मंथ होता था उसके आगे के 2 मंथ और पीछे के 2 मंथ के डेज पूछता था, और हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई थी कि हम उतने ही डेज पढ़ के जाते थे 4 से 5 महीने। लेकिन अभी रिसेंट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, LIC हुआ है, यूनाइटेड इंश्योरेंस हुआ है, उसमें जो डेज हैं वो थ्रू आउट ईयर कवर कर रहा है आईबीपीएस। मतलब अगर आप जून में देने जा रहे हो तो जनवरी के भी इम्पोर्टेंट डेज पूछ रहा है, दिसंबर के भी पूछ रहा है, जुलाई के भी पूछ रहा है। तो ये प्रिडिक्ट कर पाना कि कौन से डेज पूछेगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो बेटर होगा कि हम पूरे थ्रू आउट ईयर के डेज कवर अप करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अभी जो रिसेंट 1-2 पेपर है उसमें 2 टाइप्स ऑफ डेज दे रहा है। एक इंटरनेशनल, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, वर्ल्ड रेडियो डे हो गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हो गया, जितने के आगे वर्ल्ड लिखा है या इंटरनेशनल लिखा है सारे इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेज हैं। और जितने भी नेशनल हैं, जैसे नेशनल आर्मी डे, नेशनल हैंडलूम डे, ये अलग है, इनकी लिस्ट अलग है। दोनों ही की लिस्ट आपको फॉलो करनी है और पूरा ईयर कोशिश करिए कवर अप करिए, सिर्फ 2-3 डेज, 2-3 महीने के मत पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, जैसे कि आप जानते हैं, ये भी बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत दिनों से आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें आईबीपीएस जिन बुक्स का बारे में पूछता है, या तो वो बहुत बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स के ऑथर्स पूछता है, या फिर अगर करंट में पूछता है तो फिर उसका जो ऑथर है वो बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस रखता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई बुक लिखी है, पीएम नरेंद्र मोदी पे कोई बुक है, ठीक है, किसी यूनियन मिनिस्टर की कोई बुक है, किसी सेलिब्रिटी की कोई बुक है करंट में, जो हाल ही में बहुत न्यूज में आ रही है, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है किसी बुक्स में, सिर्फ उन्हीं बुक्स के बारे में उनके ऑथर्स पूछता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, उसकी भी लिस्ट मैं आपको दूंगा कि कौन सी बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स हैं पुरानी, उनको आप, उनके ऑथर्स आपको पता ही पता होने चाहिए, और करंट में आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो गई है जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनके लिए, कि कैपिटल और करेंसी, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर करेंसी, क्योंकि एट रैंडम अगर किसी भी कैपिटल कंट्री का कैपिटल पूछ लेगा, करेंसी पूछ लेगा, तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इतनी चीज रिमेम्बर हम नहीं कर सकते, ये हमारा माइंडसेट रहता है। लेकिन जरा आप सोचिए, आईबीपीएस भी ये चीज जानता है कि अगर हम कोई भी एकदम से कैपिटल पूछ लेंगे, करेंसी पूछ लेंगे, तो क्या स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे, या वो ये पेपर टफ करने के लिए कर रहा है, ये भी हमारे माइंड में रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डालता है कि आप कर ना पाओ, वो सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी चेक करता है कि हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, कि आप एग्जाम्स को कैसे केयरफुली दे रहे हो, ठीक है। अगर आप केयरफुली प्रिपेयर कर रहे होगे तो ये भी क्वेश्चन कर लोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। कंट्रीज वही पूछता है उनके कैपिटल और करेंसी जो न्यूज में रेगुलरली आ रही हो, जहां कोई इम्पोर्टेंट समिट हुई हो, जहां हमारे पीएम मोदी जी विजिट कर रहे हों हाल ही में, रिसेंट में, और जहां पे कोई इम्पोर्टेंट टेरर स्ट्राइक हुई हो, कोई इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई हो, उसी के कैपिटल और करेंसी पूछेगा। ये ध्यान रखिएगा, सारी कंट्री और कैपिटल नहीं पूछेगा। मतलब ऐसी कोई अनइम्पोर्टेंट कंट्री नहीं पूछेगा जिसका आपने अभी करंट न्यूज में कोई मतलब न्यूज ही नहीं सुनी, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स। ये 2-3 एग्जाम्स में डांस फॉर्म्स पूछा जा रहा है, जैसे कुचिपुड़ी हो गया, बिहू डांस आसाम का है, किस स्टेट से ये डांस बिलोंग करता है, ये भी एक लिस्ट है, आपको बहुत सी बुक्स में मिल जाएगी, लूसेंट में और भी जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं उसमें मिल जाएगी। और कैसे इन चीजों को मेमोराइज रखें, ये मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताने ही वाला हूँ, तो डोंट वरी,
आप बस ये नोट डाउन कर लो कि क्या चीजें आपको स्टैटिक जीके में पढ़ के जाननी है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया। ये भी थोड़ा हिस्टोरिकल कंसेप्ट है। जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही नेशनल इम्पोर्टेंस रखने वाले टेम्पल्स हैं, जिनका नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, या फिर नॉर्मली सुना होगा, उनकी स्टेट उनकी डिस्ट्रिक्ट पूछता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। ये भी थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट है। ये ऐसा कंसेप्ट है कि स्टार्टिंग में पूछा गया, फिर 2-3 साल नहीं पूछा गया, फिर अभी ये कंसेप्ट वापस लौट के आया है। रीजन क्या है कि जैसे आप अभी देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, मार्केट डाउन चल रही है, अभी मार्केट उतना फ्लरिश नहीं कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज जितने भी हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, इनका बीच बीच में पेपर में, न्यूज़पेपर में न्यूज आती रहती है। दैट्स वाई मैंने देखा है अभी 2 एग्जाम्स में वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज पूछा है, नाम दे देगा, कहेगा किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो ये बात हो गई हमारी स्टैटिक जीके की। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी प्रेजेंटली आपके पास टाइम कम है, जैसे कि आप जानते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में हमारा यह होता है कि बाकी सेक्शंस भी हैं, और जनरल अवेयरनेस में बहुत चीज़ों को लर्न करना है, ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं, ये हमारी नॉर्मल मेंटेलिटी होती है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को पढ़ के लॉन्ग टाइम के लिए अपने मेमोरी में सेव रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कुछ पढ़ रहे हो और आधे घंटे में भूल जा रहे हो। दिस इज वेरी रिस्की फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो एक स्ट्रेटेजी के फॉर्म में आप कैसे पढ़ोगे, चीजों को कैसे याद रखोगे, ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक जस्ट सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक अस, शेयर अस ऑन फेसबुक।